उज्जैन में जिले की कान नदी पर कान डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना की भी रिवाइज सेंक्शन आज कैबिनेट ने दिया है, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। मूल रूप से यह योजना पहले 479 करोड़ की थी, तो अब बढ़ के 919 करोड़ हो रही है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण काम निर्णय मतलब पक्ष ये है कि क्षिप्रा नदी जो सिंघस जहाँ होता है और जहाँ पर देश और दुनिया के लोग आते हैं, वो क्षिप्रा नदी में कान नदी का पानी मिलने से ये सभी के मन में था कि उसका प्रदूषण होता है। तो अब इस ये जो रिवाइज हुआ है, इससे इस कान नदी को डाइवर्ट करके और ले जाके और गंभीर नदी में मिलाएंगे, जहाँ पर वो डैम बना है उसके नीचे डाउन स्ट्रीम में, जिससे कि गंदा पानी आने की तमाम जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। और नदी से नदी जोड़ने का भी मार्ग, क्योंकि आगे वो जो ड्राइनेस है वो कान नदी से जाके गंभीर नदी के सूखेपन को भी समाप्त करेगी। तो एक दो पर्पज इससे पूरे हो रहे हैं और क्षिप्रा को निर्मल रखने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए आज कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसकी लागत को जो 919 करोड़ रुपये हो रही है उसको मंजूरी देने का काम किया।